बागनाथ मंदिर में चीर बंधन के साथ ही जिले में होली का आगाज हो गया है। बागनाथ मंदिर कमेटी सहित होल्यारों ने बागनाथ मंदिर में अबीर व गुलाल अर्पित करते हुए सबके सुख समृद्धि की कामना की। बागनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी भरत सिंह रावल व अध्यक्ष नंदन सिंह रावल ने भगवान बागनाथ से सभी के मंगलमय जीवन की कामना की। चीर बंधन के बाद होल्यारों ने बागनाथ मंदिर में होली का गायन किया। देखो, बागनाथ मंदिर से आज चीर का जो है वो हो गया है। आज होली का जो है सुंदर वातावरण हो गया, चीर बात गई है। मैं भगवान बागनाथ से प्रार्थना करता हूँ पूरे इलाके को और पूरे समाज को ये होली की बहुत सारी बधाइयाँ हो। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि इस होली में एक हम जो है लक्ष्य लें, एक हम प्रण लें कि हम शराब का विरोध करें। और मैं जो प्रवासी भाई आए हैं उनसे भी होली की बहुत शुभकामनाएं इसलिए भी देता हूँ कि आज जो है रंगों की होली नहीं खेल करके आज हम फूलों की होली खेलें, जिससे हमारे रोजगार बढ़ेगा और हमारे जितने भी प्रवासी लोग आए हैं वो अगले साल और फूलों की खेती करें और हमारा खुशहाल ये बागेश्वर बने। होली का एकादशी है और एकादशी के दिन सबसे पहले बागनाथ मंदिर में चीर बंधन का कार्यक्रम होता है और इसमें चीर बंधन के बाद यहाँ पर होली गायन का कार्यक्रम भी होता है। हम श्री बागनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे उत्तराखंड में जो ये होली का वो है पर्व है सुख शांति से मनाया जाए और सभी लोग नशे से दूर रहें। होली का पर्व ये सदियों से चला आ रहा है और इस पर्व की खासियत ये है कि पूरे देशवासी पूरा हिंदू समाज एकताबद्ध होकर के बसंत ऋतु का आह्वान करते हुए इसको हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में हम मनाते हैं। यह पर्व आपसी प्रेम सद्भाव का है और रंगों की होली लोग मस्त होकर के गाँव में विशेषकर ये पर्व बहुत ज़बरदस्त मनाया जाता है हमारे पहाड़ में और हमारे गाँव की होलियाँ तो बड़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ भी हमने आज एकादशी के दिन से बागनाथ मंदिर में आकर के यहाँ पर चीर बंधन किया और भगवान बागनाथ जी की पूजा अर्चना और उनको रंग चढ़ा करके हम सारे समाज की सारे उत्तराखंड वासियों की सारे देशवासियों की सबकी सात गांव सतराली वाले भी यहाँ आते हैं। धराती जो बनी है हमारा कोई, धराती जो बनी है हमारा कोई। एक लाइन बजा रहा हूँ, कुछ थोड़ी दूसरी है। मधु
एनटीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।